नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर साबिक वजीर आजम इमरान खान के जानिब से जेलों में कैद अपनी पार्टी की खवातीन लीडरों व सियासी कारकुनों से जिंसी ज्यादती के लगाए गए संगीन इल्जाम को लेकर इंसानी हुकूक इदारों में बढ़ी तशवीश पर खसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही साबिक वजीर आजम इमरान खान के हामी मीडिया और सहाफियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को लेकर मचे हाहाकार के अलावा सियासी समाजी हलकों की हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इमरान खान ने लगाए जेलों में पीटीआई की लीडरों से जिंसी ज्यादती के इल्जाम। पाकिस्तानी सहाफियों ने की अगवाशुदा सहाफी इमरान रियाज की रिहाई की मांग। और एचआरसीपी की प्रेसिडेंट ने कहा इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी जेलों में कैद पीटीआई की खवातीन लीडरों और सियासी कारकुनों से जुल्म ज्यादती के संगीन इल्जामात को लेकर मचे कोहराम की। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि ये इल्जामात किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और अपोजिशन पार्टी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने लगाए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बर्बर जहनियत से बखूबी वाकिफ साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सियासी इंतकाम में उनकी पार्टी के खात्मे के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा हो चुकी है। जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला और फिर जो हमें खबरें आ रही थी कि उनके उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना। अब मुझे कोई शक नहीं कि ये पूरा प्लान है कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए। आधी आबादी जो पाकिस्तान की है उसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। इसको देख के जो मर्द हैं, जो खावत हैं, जो बाप हैं, जो भाई हैं, वो इतने खौफजदा हो जाएं कि ये औरतों से इतना जुल्म होता है या औरतों से जिस तरह का ये इन्होंने सलूक किया है जेलों के अंदर या उससे पहले जब ये पुरमन एहतजाज कर रही थी, जिस तरह मारा है औरतों को, तो इतना उनको खौफ आ जाए कि वो औरतों को कहें आप घर बैठ रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के अपनी पार्टी पीटीआई की खवातीन लीडर और सियासी कारकुनों के साथ जुल्म ज्यादती के खदशात और इल्जामात पूरी तरह सच साबित हुए क्योंकि पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद पीटीआई की खवातीन लीडरों ने खुद इस सच्चाई की तस्दीक करके सियासी हलकों में तहलका मचा दिया। बार बार बता रहे मरियम नवाज ने स्पेशली आपका नाम दिया, स्पेशली नाम दिया था, तारा हमारा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो भाई फिर हम पे जलाओ गिराओ का पर्चा तो ना करो, फिर ये बताओ ना कि हमारे सोशल मीडिया दो तक डाला हुआ है, जो दिफा के नाम तक नहीं पता, मैं वो तो भी हम पे डाली हुई है। ठीक है, जेल का खाना मिलता था हमसे नहीं खाया जाता था, हमने काफी दफा कंप्लेन की थी कि रोटी कटी होती है। बताए कि घर वाले हमें खाना या मेडिसिन थी जेल लाना यही वजह रही कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयबा राजा, सनम जावेद, आलिया और खतीजा शाह समेत दर्जनों खवातीन को अडियाला जेल से लाहौर में एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया तो वो अपने वकला और रिश्तेदारों से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। लिहाजा लाहौर में पंजाब कोर कमांडर ऑफिस जिना हाउस हमला केस में एटीसी की जानिब से पीटीआई की 13 खवातीन को 5 रोजा रिमांड मंजूर किया गया तो उनकी सीनियर वकील अंजुम हमीद ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। मेरे सामने वो बैन पे लेके आए हैं तो पहले तो बैन से नहीं उतार रहे थे,
फिर मैंने जाके डीएसपी से भी बात की, हम्बल रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ बच्चियों को बख्शी खाने में आने दें। फिर जैसे ही शायद उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। जैसे ही बच्चियाँ उतरना शुरू हुई तो वो धाड़े मार के रो रही थी और उन्होंने कहा कि फीमेल नहीं लाइक, लेकिन इतनी इल ट्रीटमेंट था और इतना मिसबिहेव था पूरी रात, जिस तरह की उन्हें लाइक न्यूड करके चेकिंग कर और इस तरह की, मैं मेरा ख्याल है कैमरे में बता भी नहीं सकती सोशल मीडिया पर ऐसे बात। और अगर वो कल ये कह रही थी कि हमारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ और आज वो धाड़े मार के रो रही हैं, तो उसका मतलब है कि रात में सब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बच्चियां जो हैं इस कदर अपसेट हैं और परेशान हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ फौजी तनसीबात पर हुए हमलों को जवाब बनाकर पीटीआई की खवातीन लीडर और सियासी कारकुनों के घरों पर छापे मारकर उन्हें अगवा किया गया और फिर खुफिया टॉर्चर सेल में उन्हें बर्बरियत का शिकार बनाए जाने के जमीनी हकायक सोशल मीडिया के जरिए इससे पहले भी मंजर आम पर आते रहे। यही वजह रही कि रियासती दहशतगर्दी से दो चार पीटीआई की खवातीन और उनके वकील ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ की गुहार लगाई। हमारी सिर्फ गलती ये है कि हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। टॉर्चर तो नहीं किया गया, टॉर्चर क्या होते हैं? मेंटल टॉर्चर, टॉर्चर होते हैं। किसको टॉर्चर होने पे ये पर्चे बनाए हैं? अब घर सीट के लाए और फिर लगातार सबको मैं कहूंगी आप बहुत बकरे थे, उससे बेहतर आप वीडियो एविडेंस दें। जो हमने तोड़फोड़ किया ना उसका वीडियो एविडेंस एक सानिया को इस्तेमाल न करें अपने सियासी इंतकाम लेने के। और वो जो जिन गालियों का आप बार बार जिक्र करते हैं, तो जब 35 लोग मिलकर किसी लड़की को मारते हैं तो खवातीन गालियां ही देती है, वो गालियां मार खाने के बाद दी। अब बम लेके तो आदमी नहीं फेर रहे थे ना, गालियां ही दे सकते थे। इंडिविजुअली सारों की मैंने कंप्लेंट सुनी है, मैं सबको मिली हूँ। और मैं वैसे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रतिया बंदयाल से रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर मैं फिर आर्मी चीफ से जन आसिम मुनीर साहब से, खुदारा ये बच्चियाँ कौम की बच्चियाँ हैं, ये बच्चियाँ बेटियाँ हम पूरे मुल्क की बच्चियाँ हैं, कुछ तो रहम करें, कुछ तो रहम करें और कुछ तो एक्शन लें। मतलब आप अजीब सी सिचुएशन है ना जी, मैं अपने घर बैठी हूँ तो मैं इनोसेंट हूँ, मुझे पकड़ के थाने तक लेके जाते हैं तो मैं दहशतगर्द हूँ, फिर जो जाके पीटीआई छोड़ता है या कॉन्फ्रेंस करता है तो वो इनोसेंट होके बेफिक्र होके घर चला जाता है। आखिरकार वही हुआ जिसका खदशा था। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में बढ़ते रियासती मजालिम, खुसूसन खवातीन की जबरन अगवाकारी को लेकर मुतासरा खानदान मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे की सिविल सोसाइटी अपनी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बलोच, सिंधी और पश्तून समेत दीगर महकूम कौमों के खिलाफ जुल्म ज्यादतियों पर खामोश तमाशाई बनी रही। इसी खामोशी से हौसला अफजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब खुद पंजाब सूबे के शहरियों, खुसूसन उनकी खवातीन की इज्जत और आबरू पर हाथ डालना शुरू कर दिया है। अब एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं सहाफियों में मीडिया की आजादी के खिलाफ बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर गमो गुस्से के गुबार का। लाहौर प्रेस क्लब पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से सरापा एहतजाज सहाफी लापता सीनियर एंकर इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए गुहार लगाते रहे, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान भी सहाफी बिरादरी से इमरान रियाज की रिहाई के लिए मुत्तहिद होकर आवाज उठाने की अपील करते रहे। अदालत बार बार कह रही है उसे पेश करो, उसको पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ यह है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया और जो तशद्दुद किया गया है अगर वो जिंदा है तो वो उस अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि उसकी जब अदालत के सामने उसकी हालत देखी जाएगी तो इसलिए उसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ यह है कि वो शायद जिंदा भी ना हो। और मैं आप सारी सहाफियों को कहता हूं कि पहले अरशद शरीफ के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था, अब एक इमरान रियाज से ऊपर ये जो हुआ है, अगर आप इस मुल्क की सहाफी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अगली आपकी किसी की बारी आ जाएगी, क्योंकि आज कोई है कल किसी और की बारी आ जाएगी।
ये एहतजाजी मनाजिर इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पुकार पर सहाफी बिरादरी ने न सिर्फ लबैक कहा बल्कि पाकिस्तान में आर्मी सर्विसमेंट की जानिब से अगवा करके लापता किए गए साथी सीनियर एंकर इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में गुज़िश्ता कई हफ्ते से मुसलसल एहतजाजी धरने दे रही है। डिजिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मुश्तरका बैनर तले लाहौर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज सहाफियों ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से मीडिया की जवाबबंदी के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों की पुरजोर मजम्मत की। ये नौजवान साथी आज नौवा रोज है मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज का दिन भी हमने ये एहतजाज करके इलामती तौर पर कि हमारे जुबानें बंद हैं क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारी फैमिलियां खतरे में पड़ जाएंगी, हमारे घर खतरे में पड़ जाएंगे। हम वो दिखाएंगे जो आप देखना नहीं चाहते तो हमारी आंखें खतरे में पड़ जाएंगी। हम वो बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते तो हमारी जुबानें बंद कर दी जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी। पाकिस्तानी इकदार पर और सियासत में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट और सियासी तज़ियाकार इमरान रियाज खान को सियालकोट शहर के एयरपोर्ट से 11 मई को गिरफ्तार किया गया और पंजाब पुलिस की जानिब से इस गिरफ्तारी की मीडिया पर CCTV तस्वीरें भी सामने आईं। ताहम लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस इमरान रियाज खान को जेल के गेट से तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से अगवा करके अफगानिस्तान ले जाने की मनगढ़ंत कहानियां सुनाती रही जबकि लापता सहाफी इमरान रियाज खान के वकला और करीबी सहाफियों में पंजाब पुलिस के मशकूक किरदार को लेकर शदीद गम गुस्सा है। फौरी तौर पर जिस जगह पे वो था वहां से निकाला और रात को जली तौर पर जो उनसा है वो उसकी वीडियो जेल में जाने और आने की बनाई दोबारा और फिर उसके बाद जो है जब अदालत में पिटीशन फाइल हुई और हमारी तरफ से ये निशानदेही की गई साजिब मसूद और राणा मारूफ साहब की तरफ से इब्तदाई दिन में जो सा पहले एक या दो दिनों में तो स्ट्रेट अवे अदालत ने मुअज्जिज जज साहब ने जो सा है वो इसका रिकॉर्ड मंगवाया। जो ही वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हुआ तमाम पूरा जो जेल साजी थी पुलिस की तरफ से और जो ड्रामा रचाया गया उसको रात के टाइम पे जो सा 11:05 फिर 11:10 फिर 11:30 जो मुख्तलिफ जो है यानी कि DCO का नुमाइंदा उस रिलीजिंग ऑर्डर की वेरिफिकेशन 11:30 दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्ट में और 11:00 उसको जेल से रिलीज कर रहे हैं यानी कि वेरिफिकेशन बाद में हो रही है और रिलीज पहले कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल नदीम अंजुम की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की अवामी मुंतखब हुकूमत के तख्ता पलट के खिलाफ खुलेआम आवाज उठाते रहे निडर सहाफी इमरान रियाज खान। लिहाजा इमरान रियाज खान को पिछले साल भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और गद्दारी के मामलों में खोफार दहशतगर्दों की तरह हथकड़ियों में जकड़ कर पंजाब सूबे की मुख्तलिफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में घुमाया गया और खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी सलूक करके उन्हें जबाबंदी पर मजबूर किया गया। ताहम इमरान रियाज खान बेखौफ होकर आजादी सहाफत करते रहे यहाँ तक के इमरान रियाज खान अपनी गिरफ्तारी से एक हफ्ते पहले 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर इस्लामाबाद में मुनक़िदा सेमिनार में भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के गद्दारी के झूठे मुकदमों पर जमकर तनकीद करते रहे। यही वजह रही कि इमरान रियाज खान के वकला और सहाफी अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह से रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए हमारे जो ऑनरेबल आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिफ मुनीर शाह साहब उनसे मेरी गुजारिश है, हमारे DGISA जनरल नदीम अंजुम से गुजारिश है, यकीन करें आप इतने बाइख्तियार लोग हैं आपने तो अल्लाह के अलावा और आइनों और कानून के अलावा किसी को जवाब नहीं देना, बराए मेहरबानी अपना इंतहाई मौसर किरदार अदा करें और यकीन करें जब पूरी नीयत से किरदार अदा होगा तो ये घंटों में नहीं दिनों में नहीं ये मिनटों में जो है हमारा मसला हल होगा।
ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के मजबूत गढ़ पंजाब सूबे के रावलपिंडी शहर के। रावलपिंडी में GHQ यानी पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर के सामने सरापा एहतजाज सहाफी तंजीमों के ओहदेदारों ने इमरान रियाज खान की फिलफौर रिहाई की मांग की, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जैसी आला सहाफती तंजीमों की फरियाद तो नहीं सुनी गई। अलबत्ता फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर इकबाल चौधरी को भी इमरान रियाज की तरह लाहौर से अगवा किए जाने पर सहाफियों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए और पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में सियासी तसादुम और इंसानी हुकूक की पामाली पर HRCP की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर हो रही तनकीद से घबराई वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का ऐलान किया। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि वफाकी काबीना में 1 जून से पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में 5 रुपए से 8 रुपए फी लीटर की कमी का फैसला लिया गया है। इससे पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई से सताए गरीब अवाम को काफी राहत मिलेगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ बताया और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस मामूली कमी के बाद हुकूमत से अशियाए खुर्दनोशी कीमतें कम करवाने की अपील की। पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में जराइम और तशद्दुद के वाकयात में होशरुबा इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पेश आए ऐसे ही एक वाकये में कई अफराद के जान बहक होने से मुतासरा खानदानों में सफ़े मातम बिछ गया। चश्मदीदों और मुतासरा खानदानों के मुताबिक लाहौर में एक रेस्तरां पर खाना खा रहे दो जराइम पेशा गिरोह लड़ते हुए रेस्तरां से बाहर सड़क पर निकल आए, लिहाजा दोनों गैंग्स के दरमियान आपसी फायरिंग के दौरान गोलियां लगने से गरीब खानदानों के यौमी मजदूरी करने वाले 4 नौजवान हलाक हो गए। रजब तैयब अर्दोगान के एक बार फिर तुर्की के सदर मुंतखब होने पर सिर्फ इस्तांबुल में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी खुशियां मनाई गईं। इस खुशी का इजहार करने के लिए इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में तुर्की सदर रजब अर्दोगान की हिमायत में रैलियां निकाली गईं और इन रैलियों में शामिल पाकिस्तानी शहरी खुसूसन नौजवान तुर्की सदर अर्दोगान को पाकिस्तान का सच्चा साथी बताते हुए जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। यही वजह रही कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बगैर बुलाए तुर्की का हंगामी दौरा किया और गुज़िश्ता 20 वर्षों से तुर्की के सदर के ओहदे पर फाइज रजब तैयब अर्दोगान की तकरीब हलफबरदारी पर उनके आगे पीछे घूमकर फोटो खिंचवाने की कोशिशें करते रहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन और सीनियर वकील नासिर जिब्रान को जबरन अगवा किए जाने पर कोहराम मच गया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले जिब्रान नासिर की अहलिया ने कराची के क्लिफ्टन इलाके के थाने में शिकायत दर्ज कराई और बाद में मीडिया को बताया कि वो दोनों रेस्तरां में खाना खाकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने 2 गाड़ियां आकर रुकी और उन गाड़ियों में सवार सादा लिबास में दर्जन भर खुफिया अहलकार उनके शौहर जिब्रान नासिर को अगवा करके ले गए। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मीडिया से किए गए हंगामे खिताबात का। खास बात ये रही कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट हिना जिलानी ने इस्लामाबाद में ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गुजारिश पर बुलाई।
क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में अपनी पार्टी के खिलाफ हो रही इंतकामी कार्रवाइयों को लेकर इंसानी हुकूक इदारों से संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाते रहे। यहाँ फैसला हुआ है बंद कमरों में कि पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को अकेला कर देना। इमरान खान अकेला हो चुका है, इमरान खान के इर्द गिर्द अब कोई भी नहीं है, ना मैं किसी को टेलीफोन कर सकता हूँ, ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ, सब छुपे हुए हैं। या जो मेरे सीनियर लीडरशिप है उनसे मुशावरत नहीं करते, वो सारे जेल में आए, या उन्होंने कहा कि हम जी पीछे हट रहे हैं, हम पॉलिटिक्स से पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के लिए मुल्कगीर तहरीक छेड़ने का शदीद खमियाजा भुगत रहे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी गिरफ्तारी के रद्देअमल में पाकिस्तान में जो अवामी इनकलाब की आग भड़की और उस आग में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के हसास तरीन मराकज जिस कदर धू धू कर जलते रहे, नतीजतन पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल को लेकर हुई शदीद फजीहत से बौखलाई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इन इंतकामी कार्रवाइयों के तहत साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के सैकड़ों सीनियर लीडरान और हजारों सियासी कारकुनों को कैद करके गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और उन्हें डरा धमका कर इमरान खान और उनकी पार्टी PTI से सियासी अलहदगी पर मजबूर किया जा रहा है। यही वजह रही कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरखास्त पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में आईन और कानून और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश जाहिर की। 9 और 10 मई को होने वाले जो वाकयात हैं इसने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया है, जिससे सियासी सूरत हाल के साथ साथ इंसानी हकूक के हवाले से भी एक संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। जमहूरी अदारे कमज़ोर हुए हैं और इंतशार की इस सूरत हाल में जिससे इस सूरत हाल में सबसे बड़ा नुकसान सिविलियन सुप्रेमेसी को होता नज़र आ रहा है। जहां मौजूदा हुकूमत सिविलियन सुप्रेमेसी को महफूज करने में मायूस कुन हद तक नाकाम रही है या कामयाब होना नहीं चाहती, वहां सियासी ऑपोजिशन का किरदार अदा करती हुई PTI के गैर जमहूरी इकदाम और रवैयों, कानून की पारदस्ती और जमहूरी अदारों की मुसलसल हद तक तशद्दुद की सियासत और सिविलियन सुप्रेमेसी से खुले इनहराफ ने सियासत में फौजी मदाखलत को नागुजीर बनाने की कोशिश की है। नौ और दस मई को सरजद होने वाली कार्रवाइयां किसी सूरत में भी पुरअमन एहतजाज के जिमन में नहीं आती। जो शवाहिद इस वक्त तक मिले हैं उनसे ये साबित होता है कि उस दिन आर्सन यानी जलाओ घराओ जैसे संगीन जुर्म के साथ साथ रायटिंग, लूटिंग, वैंडलिज्म और प्राइवेट और रियासती प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास के जराइम किए गए हैं। हम ये समझते हैं कि इस तनाजुर में रियासत ने जो इकदाम किए हैं और ओवर रिएक्शन किए हैं वो जहर को जहर से मारने के मुतरादिफ है, और मैं ये कहने में कोई तवक्कुफ नहीं करती कि ये जो जहर है ये आप इस मुल्क की रगों में डाल रहे हैं मजीद उस बहरान को शदीद करने के लिए, जिससे यहाँ पर जमहूरियत और कानून की बालादस्ती गर्क होगी और कुछ हासिल नहीं होगा। अदलिया ने भी अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया और अपनी जो साख है उसको न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है बल्कि जो अदलिया में तकसीम के तासुरात मिल रहे हैं उससे अदलिया की इम्पार्शियलिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है।
हुकूमत ने जो रिएक्शन दिखाया है 9 और 10 मई के बाद इन पर्टिकुलर, एचआरसीपी इस पर तशवीश का इजहार करती है। हमें ये एहसास हो रहा है कि ये गुस्सा निकाल रहे हैं, कानून नाफिज नहीं कर रहे। इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कि जहां जराइम हुए हैं वहां हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी करे, लेकिन जिस तरीके से ये अकाउंटेबिलिटी की जा रही है हमें उस पर एतराज है। ये बात हम नहीं समझते कि जो क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्पेसिफिकली उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जिन्होंने इन कार्रवाइयों में बराह रास्त हिस्सा लिया है। हम समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है जिसकी कोई जवाब नज़र नहीं आता। सिर्फ अफिलिएशन की बुनियाद पर किसी को हिरासत में लेना और उसके ऊपर किसी किस्म का मुकदमा कायम करना, यह कानून की बालादस्ती का कोई अच्छा प्रेसिडेंट कायम नहीं हो रहा। इसके साथ साथ एक बात और जो हमें तशवीशनाक नज़र आ रही है वो है ये जो तरीका कार इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग का। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।